किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको यहाँ पर? बस देखो, अब जैसे हम जो डिलीवरी लेके जाते हैं तो ये भी एक खतरा होता है। एक तो हम लोग वैसे ही इलीगल हैं, तो कोई पुलिस वगैरह पकड़ ना ले, नहीं तो पाकिस्तान चले जाएंगे, ये वगैरह वो एक अलहदा चीज़ है। दूसरी बात है ये काला का सारा जो है, काले काले हैं आसे पास। घर में जाते हैं उनके डिलीवरी करने, कितनी बार हुए हैं, कभी रॉबरी हो गई है, कभी उन्होंने गन दिखा ली है, और पैसे निकाल दो, तो बाद में हैंड्स अप कर लेते हैं। क्या कर सकते हैं इसके सिवा? नहीं तो आप पिज़्ज़ा डिलीवर करने जा रहे हैं और बंदे ने गन निकाल ली है, हाँ, और वो बोल रहा है कि मुझे पैसे दो अपने। हाँ तो दे दिए पैसे, क्या कर सकते हैं, खुदा ताला ने हाथ पांव दिए हुए हैं और घुमा लेंगे, लेकिन उनको दे दो अगर आते हैं। लेकिन ये अपनी आपकी हिफाजत करना जो है वो सबसे पहले ज़रूरी है। अच्छा शमरेज, आपके ख्याल में बेहतर नहीं है कि इतना रिस्क लेने के बजाय आप पाकिस्तान में ही काम करें जाके? पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कमाएँगे, पूरा दिन काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कोई, हम लोग पढ़े लिखे तो आए नहीं जिसके हमें कोई दफ्तर की नौकरी मिले और गवर्नमेंट की जॉब मिले जिससे हम पैसा कमा लें, तो अनपढ़ बंदे हैं, तो हमारे लिए यही काफ़ी है। इधर जो है हम $250 दिन का बनाते हैं, $250 कितना आप साहब ला लो, कितना पाकिस्तानी रुपये बनते हैं। तो पाकिस्तान अगर मैं तकरीबन साल पूरा काम करता रहूँ तो इतने पैसे ना कमाऊँ, तो यहाँ पर ये बेहतर है। 12 लाख रुपया दे के आया था और एक साल में क्या 6 महीने पर 12 लाख बता देता हूँ, तो ये तो बेहतर है। फिर ये सही है, तकलीफें हैं, दुख भी हैं, इधर अपने अम्मी अबू से दूर, अपने बहन भाइयों से दूर तकलीफ तो है, लेकिन वो तो सुखी हैं, हमारे शहर है, जी रहे हैं उधर। तो पैसे भेज रहे हैं पाकिस्तान? पाकिस्तान इंशाल्लाह भेजता हूँ पाकिस्तान, अपनी अम्मी को, भाइयों को, वो पढ़ाई कर रहे हैं, सारे खुश हैं, बहुत खुश हैं, तो मैं ही उनका सहारा हूँ घुमाने वाला। तो अगर मैं पाकिस्तान चला गया तो बस फिर वो ही खेती बाड़ी, उसमें साल भर क्या आएंगे, 10,000-15,000 रुपया आएगा, उससे खर्चा तो नहीं चलेगा। तो डर नहीं लगता कभी पकड़े गए यहाँ पर? तो बस ये तो फिर अल्लाह ही जानता है कभी पकड़े जाते हो आप, हाँ, लेकिन हर वक्त यही कोशिश होती है किसी से कोई पंगा ना करें, अपने आप को जो बचा के रखें, कोई लड़ाई झगड़े के कभी दरमियान में ना आए, अगर कोई गाली भी निकाल देते हैं शुक्रिया करके पीछे हट जाते हैं। तो पाकिस्तान में कोई गाली निकाले तो मुंह तोड़ दे, बस मुंह तोड़ के तो बंदे को कत्ल कर दे अगले को। बस ये तो डिफरेंट है अमेरिका में और पाकिस्तान में। क्या डिफरेंट है? ये है जैसे अगर उधर को गाली, अगर आप उधर होते मुझे गाली निकालते, मैंने आपको तोड़ दो मोड़ देना था, तो अभी ये है इधर गाली निकालो तो मैंने कहूँगा शुक्रिया, थैंक यू, पता है इधर केस बन जाएगा, पुलिस है, ये वो सारा एक सिस्टम है इधर। तो शादी कर सकते हैं यहाँ पर? शादी तो मैं अपने गाँव में ही जाके करूँगा, इधर तो नहीं करूँगा, क्योंकि पहले अम्मी की भी यही मर्ज़ी है, अबू की भी, मेरी भी यही मर्ज़ी है, अपने पाकिस्तान गाँव में, इधर तो कभी ना करूँ। लोग कहते हैं कि पेपर बनवा लो, शादी कर लो वगैरह, ये कर लो, लेकिन नहीं, मैं नहीं मानता इस चीज़ को, पेपरों के लिए अपनी लाइफ जो है अपना किसी चीज़ में फसाद हो वो नहीं करूँगा कभी। तो वैसे शमरेज अंदर से खुश है? अंदर से खुश हूँ, बस दिहाड़ी कमाता हूँ, पैसे कमाता हूँ, खुद भी ऐशी उशी कर लेते हैं, और पाकिस्तान भी, वो भी खुश है, मैं भी खुश हूँ इधर, क्योंकि सारा मेरी ये बात है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है, अपना कोई बीवी नहीं है, शादीशुदा नहीं हूँ, तो ये है मेरे इधर रहने का कोई ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए, क्योंकि खजट चढ़ा चुड़ा हूँ। तो जैसे अबू मेरे थे इधर, आप जानते हो, वो इधर तकरीबन 14 साल रहे हैं, पाकिस्तान नहीं गए हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम थी, मेरे छोटे भाई थे, अम्मी थी मेरी, उनके अम्मी अबू थे, दादी दादा, तो उनको जो है वो जाना पड़ता, इसलिए भेज दिए। तो मेरे लिए, मैं अगर 5 साल और भी रह लूँ मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो 5-6 साल में पैसा वैसा बना के पाकिस्तान चले जाओ, शादी शुदी करके बंदा लाइफ सेट कर लेता है अंदर जी। तो वो क्या चीज़ है शमरेज अमेरिका की जो आप समझते हो कि अगर पाकिस्तान में हो तो बंदा पाकिस्तान छोड़े ना? ये जो देख रहे हो कोई लड़ाई झगड़े, जैसे हमारे उधर हर रोज़ कोई ना कोई, अभी रात को अम्मी कॉल करके कह रहे थे तेरे भाई ने दूसरे लड़के को मारा है, उन्होंने ये पुलिस केस बन गया है, पुलिस पकड़ के ले गए उनको, ये वगैरह ऐसी चीज़ें से जो है ना डर लगता है। तो दूसरा वो तो एक ये चीज़ मैं भी सही है, इधर पैसे मुझे ठीक मिल जाते हैं, उधर कितने मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमा लूँगा, अपना भी बिज़नेस हो फिर भी मैं 12-13 हज़ार रुपया कमा लूँगा दिन का, तो इधर मैं जो 20 हज़ार कमा लेता हूँ कभी कभी दिन का। तो क्या दिहाड़ी होती है रोज़ाना की या टिप्स होती हैं, किस तरह से होता है? नहीं, मेरा होता है मकसद $6 तो घंटे के मिलते हैं हमें, तो जो है
5% कमीशन होती है। अगर $100 की सेल करता हूँ मैं स्टोर की, तो $5 बीच में मेरे होते हैं। और टिप जो है वो कस्टमर पे डिपेंड करता है, कैसा कस्टमर है, कोई गोरे हैं काले हैं जो भी हैं, कितने देते हैं। ज़्यादातर तो गोरे जो हैं ठीक टिप दे देते हैं, कोई $7-8 $10 भी दे देते हैं। काले जो हैं वो $1-2 पे देते हैं। देसी कितनी टिप देते हैं? देसी बस इतने, कालून जैसे साहब हैं उनका भी। अच्छा, तो पढ़ाई वढ़ाई का सीन क्या है? पढ़ाई बस अभी जो है जिम्मेदारी इतनी है, तो अभी यही दिल है चलो छोटे भाई जो है वो पढ़ लें वगैरह। मैं तो अभी जो है ना पढ़ाई से बिल्कुल दूर हूँ जी। तो यानी कि तुम अपनी फैमिली के लिए सारी सैक्रिफाइस दे रहे हो? हाँ बस अपनी जो है, क्योंकि दोस्तों ने कहा है स्कूल चले जाओ ये करो, शौक भी है कभी कभी आता है चलो मैं भी स्कूल चला जाऊँ, लेकिन फिर सोचता हूँ अगर मैं स्कूल गया तो जो है ना ये काम वगैरह घर का ख्याल जो है ना वो रखने वाला नहीं होगा। तो अभी अकेले रह रहे हो यहाँ पर? अभी अकेला रह रहा हूँ यहाँ पर जी। याद नहीं आती घर की? याद तो आती है, बस क्या करें, जब याद आती है टेलीफोन बुला लेते हैं घर, अम्मी से कुछ चार बातें कर लेते हैं, अबू से कर लेते हैं, बस ऐसी ज़िंदगी है अभी तक तो।